हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मोहम्मद जीशान स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर जीशान A.S पर। उम्मीद करता हूं हमारे दोस्त व्यूवर्स नाजरीन सभी खैरियत से होंगे, हमारी वीडियो देख करके फायदा उठाते होंगे, अपने दोस्तों को भी शेयर करते होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में काफी लोगों की फरमाइश है, वो पूरी करने वाला हूं। फरमाइश क्या है कि इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए घरेलू तरीके और देसी दवाएं बताएं। ये सवाल मेरे पास में जब से महामारी का दौर आया है, जब से काफी लोगों का सवाल आ गया इस पर। मैंने थोड़ी सी वीडियो लाइव में भी बताया, लाइव एपिसोड जो मैं करता हूँ उसमें भी मैंने काफी लोगों को इसके जवाब दिए हैं। और कई लोगों ने मुझसे कहा है कि आप हमें कुछ ऐसे घरेलू चीजें बताएं जिससे हम अपनी इम्यूनिटी पावर को मजबूत कर सकें, और या कुछ ऐसी देसी दवाएं बताएं जिनका इस्तेमाल रेगुलर करने से हम इम्यूनिटी को मजबूत भी कर लें और किसी तरह का उन दवाओं को इस्तेमाल करने के बाद कोई साइड इफेक्ट ना हो। तो आज इस वीडियो में अपने सभी उन दोस्तों की और आप सभी लोगों की फरमाइश पूरी करने वाला हूं। और जिन लोगों की फरमाइश है, जरूरी नहीं है ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है, ये वीडियो मेरे ख्याल से आज के दौर में हर इंसान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इम्यूनिटी पावर का बढ़ा करके रखना या मेंटेन रखना या बरकरार रखना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि इम्यूनिटी पावर होती क्या है। देखिए, इम्यूनिटी पावर को उर्दू में या यूनानी में कुव्वते मुदाफात बोलते हैं, मतलब मर्ज से लड़ने की ताकत। आम जबान में अगर कहा जाए, मर्ज से लड़ने की ताकत, ये हर इंसान में कुदरती तौर से अलग अलग होती है, किसी में कम है किसी में ज्यादा है। अगर ये कुव्वत हर इंसान की ठीक रहती है, बढ़ी हुई रहती है, मतलब तब इससे क्या फायदा होता है कि जो भी बैक्टीरिया वायरस हमारे जिस्म में दाखिल होते हैं या हमें बीमार करने की कोशिश करते हैं, तो हमारी जिस्म की इम्यूनिटी पावर उनसे लड़ के उनको खत्म कर देती है और हमें बीमार होने से बचा लेती है। ये होती चीज इम्यूनिटी। इस इम्यूनिटी को हम कैसे बढ़ाएं, ये बहुत जरूरी है और हर किसी के लिए जरूरी है। तो इसके लिए मैं कुछ दवाएं बताऊंगा, मेरे पास रखी है, मैं उन दवाओं को दिखाऊंगा भी आप लोगों को कि कैसे हम इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकते हैं। कुछ घरेलू तरीके भी बताऊंगा, और एक तरफ से मैं आपको बीच में पहले घरेलू तरीके फिर बीच में दवाएं भी बताते चला जाऊंगा। थोड़ी सी वीडियो बड़ी होगी लेकिन आपके बहुत ही काम की वीडियो होने वाली है, तो वीडियो छोड़कर बिल्कुल कहीं ना जाएं। और वीडियो आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आएं तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दें ताकि जब हम नई वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप वीडियो देख करके पहले फायदा उठा लें। बात करते हैं अब इम्यूनिटी बढ़ाने के घरेलू तरीके। देखिए, सबसे पहले एक्सरसाइज, दौड़ लगाएं या दूसरी वर्जिश, किसी भी तरीके की कोई भी आपके जो आपको पसंद हो एक्सरसाइज, मतलब जिस्म से पसीना निकालना, है ना, मेहनत करना। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे जिस्म की इम्यूनिटी पावर जो है काफी हद तक बढ़ जाएगी, या जिन लोगों की इम्यूनिटी पावर कम है तो बराबर या नॉर्मल रहने लगेगी। एक तो ये फायदा है इसका। दूसरा तरीका यह है कि विटामिन सी की टेबलेट हम इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन सी के अंदर सबसे ज्यादा इम्यूनिटी को बढ़ाने की जो क्षमता होती है वो विटामिन सी में होती है, तो हम उसके लिए विटामिन सी की टेबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास अभी इत्तेफाक से खत्म हो गई है, वरना मैं आपको जरूर दिखाता। अब उसके बाद अगर रही बात घरेलू भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो खाने पीने की, उनको ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स वगैरह ज्यादा से ज्यादा लें, सेब वगैरह, इन सब चीजों को अगर हम इस्तेमाल करते हैं तब भी हमारी इम्यूनिटी जो है बढ़ी हुई रहेगी या इम्यूनिटी पावर ठीक रहेगा। इम्यूनिटी पावर की बढ़ाने की जरूरत हमें क्यों पड़ी, क्योंकि आजकल जो है वायरल का दौर चल रहा है, नए नए तरह की बीमारियां आ रही हैं, नए नए तरह के बुखार हैं, तो ये सब इम्यूनिटी कमजोर होने की वजह से होता है। इसलिए इन चीजों से बचने के लिए अपने जिस्म की इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहिए। इसलिए काफी लोग सवाल भी कर रहे हैं, और आजकल आप न्यूज में टेलीविजन में देखते होंगे कि जो बीमारियां चल रही हैं उससे कैसे बचें, अपना इम्यूनिटी को बूस्ट करें, यूनानी काढ़े या आयुर्वेदिक दवाएं इस्तेमाल करें इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। ये सब आप देख ही रहे हैं अपने अपने घरों पर बैठ के। अब मैं बात करूंगा उन दवाओं की जो हमारी यूनानी पैथी में बहुत सारी दवाएं हैं जो इम्यूनिटी पावर को बढ़ा देती हैं, तो उन दवाओं के बारे में मैं एक एक करके आपसे बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा खमीरा मरवरीद की। ये देखिएगा आप, खमीरा मरवरीद है मेरे हाथ में, और मैं आपको बता दूं कि ये क्लासिकल मेडिसिन है, ठीक है, और यूनानी फार्मेसी की तकरीबन सारी कंपनियां बनाती हैं। इस टॉपिक पर मेरी वीडियो मौजूद है, आप पूरे डिटेल्स के साथ अगर देखना चाहते हैं खमीरा मरवरीद को, तो आप मेरी वीडियो लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। इसको सुबह शाम 4-4 ग्राम इस्तेमाल करें, दूध के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी पूरी डिटेल के लिए आप मेरी वीडियो अलग से देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगली जो दवा है वो है जिन लोगों को शुगर की शिकायत रहती है। अब ये मीठा होता है तो काफी लोगों की ये भी शिकायत रहती है कि ये मीठा है तो हमें डायबिटीज है तो हम क्या करें,
तो देखिए उनके लिए भी अब कंपनी जो है एक से एक चीजें बना रही है, उनके लिए ये टैबलेट का सुविधा शुरू कर दिए, हब्बे मरवरीद, वो खमीरा मरवरीद था और ये टैबलेट बना दिए, हब्बे मरवरीद टैबलेट है ये। तो ये टैबलेट सुबह शाम एक एक ले सकते हैं, बेहतर रहेगा अगर जिन लोग जो लोग खमीरे का इस्तेमाल ना कर सके, टैबलेट भी दूध के साथ ही इस्तेमाल करें बेहतर है। उसके बाद अगली दवा है दवाउल मिस्क मोतदिल जवाहर वाली, ये भी हमारे दिल दिमाग को ताकत देती है, लीवर को ताकत देती है, टेस्टिस को ताकत देती है, इसके बारे में भी मेरी वीडियो मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। तो इसमें भी ऐसी चीजें हैं जो हमारे जिसका इस्तेमाल करने से हमारे जिस्म की इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, तो इसका भी हम लगातार 5-5 ग्राम या 4-4 ग्राम इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह शाम दोनों आप इस्तेमाल करें बेहतर रहेगा। उसके बाद में अगली दवा है कैप्सूल मोमियाई, ये देखिएगा आप हर्मस कंपनी का बड़ा ही शानदार और बहुत कामयाब प्रोडक्ट है ये कैप्सूल मोमियाई। तो ये भी आपके इम्यूनिटी पावर को बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ाता है, ये एक एक कैप्सूल सुबह शाम ले सकते हैं या 24 घंटे में एक कैप्सूल भी ले सकते हैं। ये भी ये यूनानी मेडिकल स्टोर पर ये दवाएं मिल जाती है, हालांकि इस पर अभी मेरी वीडियो नहीं है, जल्दी मैं बनाऊंगा आप लोगों के लिए इस पर वीडियो। तो ये वो दवाएं हैं जिनको आप यूनानी मेडिकल स्टोर से आसानी से खरीद भी सकते हैं और जरूरत पड़ने पर हमसे भी मंगा सकते हैं, हम भी आपके घर तक पहुंचा देंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आगे भी बहुत सारी दवाएं हैं, वो भी मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। आंवले का जूस, इसके अंदर विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए आंवले का जूस भी लें। और आंवले का जूस लेने के ये फायदे हैं कि आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपके इम्यूनिटी पावर को वो बूस्ट करेगा, बढ़ाएगा। जो दवाई मैं बता रहा हूँ ये इम्यूनिटी बूस्टर दवाएं हैं, बढ़ाने वाली, इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली दवाएं हैं। तो आंवले का जूस सुबह शाम आप आधे आधे गिलास या एक कप इस्तेमाल कर सकते हैं या उससे भी कम ले सकते हैं, 20-30 ml के हिसाब से इसकी डोज होती है आंवले के जूस की, सुबह शाम ले सकते हैं। मेरे पास है भी मौजूद, ये देखिएगा आंवला रस के नाम से मिल जाएगा आपको मार्केट में। तो ये 30-30 ml या 20-20 ml सुबह शाम ले, इसका इस्तेमाल थोड़ा ध्यान रहे, ज्यादा दिन लगातार नहीं करना है, बीच बीच में कभी कभी करना है। तो ये हुई इम्यूनिटी बढ़ाने की कुछ दवाएं, और भी मेरे पास में कुछ दवाएं हैं जो इस वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन मैं आपको नाम बता दूं, खमीरा आबरेशम सादा, खमीरा आबरेशम हकीम अरशद वाला, ये वो दवाएं हैं जो हमारे जिस्म को ताकत देती हैं, दिल दिमाग को ताकत देती हैं, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती हैं। ठीक है, उसके अलावा खमीरा गाउजबा, अरके गाउजबा, इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अरके गाउजबा जो है 20-20 ml सुबह शाम लेने से हमारे इम्यूनिटी पावर बूस्ट होता है, और खमीरा गाउजबा 5-5 ग्राम सुबह शाम लेने से हमारे जिस्म में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है और मर्ज से लड़ने की ताकत बढ़ती है। ये दवाएं तो मेरे पास में है, इत्तेफाक से अंदर उधर रखी हुई, मैं रखना यहां भूल गया। तो इन सब दवाओं पर मेरी वीडियो मौजूद है, अगर आप चाहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक दे दूंगा इस बार, और आप वहां जाकर के देख लें या मेरे ही चैनल पर जाकर देख लें। कुछ वीडियो के लिंक मैं एंड स्क्रीन पर दे दूंगा, स्क्रीन जब वीडियो लास्ट होती है तो वहां पर भी मैं इसके वो दे दूंगा, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों संतरा इस वक्त तो खैर नहीं चल रहा है, मौसमी चल रहा है, मौसमी का जूस इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए सबसे बेहतरीन दवा है मौसमी का जूस। तो मौसमी का जूस भी दिन में एक बार जरूर लें अपने जिस्म को ताकत रखने के लिए। और एक्सरसाइज, इसमें एक्सरसाइज तो बहुत ही जरूरी है, वो तो रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। ये सारी दवाएं अगर आपको चाहिए तो आप हमसे कॉन्टेक्ट करके हम आप तक भेजा सकते हैं, किसी भी तरह की बिना दुश्वारी के आपके 7-8 दिन में आपके घर पहुंच जाएंगी। और दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर करें, अगर आपको पसंद आती हो वीडियो तो शेयर करें। ऐसे बहुत सारी दवाएं और बहुत सारे घरेलू तरीके हैं इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। अगर आप घर मतलब सिंगल मेडिसिन की बात करें तो गाउजबा, सपिस्ता है ना, और मवेज मुनक्का, जो मुनक्के का बीज निकालने के बाद में, और खूब कला, ये सब वो दवाएं हैं जिनका इस्तेमाल करके हम थोड़ा थोड़ा घर पे इस्तेमाल करें और अपने इम्यूनिटी को बरकरार रख सकते हैं। ये वो दवाएं हैं, और उस तो खुद्दूस है, गुले सुर्ख है, ये सब चीज़ें हमारे घर सिंगल ड्रग्स हैं जो हमारे इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएंगे। और भी बहुत लाखों दवाएं हैं, ऐसे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी अगर मैं ऐसे बताता रहूंगा। तो जो काम काम की थी मोस्ट थी वो मैंने बता दी आपको, उम्मीद करता हूँ आपको बेहद पसंद आई होगी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप जो है वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी, शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। और अगर इस वीडियो के ताल्लुक से कोई भी सवाल है आपका तो वो कमेंट्स बॉक्स में लिखें, मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करता हूँ, आपके कमेंट्स का रिप्लाई भी 100% करता हूँ मैं। तो आप अपना शानदार कमेंट्स है, जो भी आपको कमी लगी हो या अच्छी लगी हो उसको अपने हिसाब से आप लिखें वीडियो में, बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट्स करते हैं। और शेयर करना भी आपकी जिम्मेदारी है, ये आप लोगों की फरमाइश पूरी की है मैंने आज, तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी है, आप अपने दोस्तों को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, हर जगह शेयर करें वीडियो को ताकि वो भी देखें
और इसका फायदा उठाएं। ये वीडियो आज के हिसाब से हर व्यक्ति के लिए, हर इंसान के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए ये वीडियो जरूर देखें, पूरी देखें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहिए, आपको लगता है कि आप हमारे जरिए किसी और बीमारी का इलाज कराना चाहते हैं, तो मेरा सामने आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा, व्हाट्सएप नंबर है ये मेरा, आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करें मुझसे व्हाट्सएप पर, तो मैं आपको वहाँ ऑनलाइन कंसल्टेशन देता हूँ। हालांकि वहाँ आपकी फीस लगेगी, बहुत मामूली सी फीस लगेगी, बहुत कम फीस लगेगी, लेकिन मैं वहाँ आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन दूंगा। उम्मीद करता हूँ अगर आपको वीडियो पसंद आए होगी तो लाइक शेयर जरूर करेंगे, कमेंट्स भी करेंगे। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।